ईद से पहले पाकिस्तान में ऐसा सीन बन गया है कि जिन्ना का मुल्क टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच गया। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का बंटवारा तय माना जा रहा है। पाकिस्तान में जबरदस्त घमासान चल रहा है। इसके केंद्र में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है। तो क्या इमरान खान की वजह से ही पाकिस्तान का विभाजन होगा? देखिए स्पेशल। पाकिस्तान का बंटवारा तय है। क्या ईद से पहले पाकिस्तान के होंगे दो टुकड़े? क्या इमरान और शहबाज की जंग में टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान? जिन्ना लैंड में कभी भी फट सकता है बगावत का बम। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पाकिस्तान की असली पिक्चर कहीं ज्यादा भयावह है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान के बड़े नेताओं की आवाज में जो आहट सुनाई दे रही है, जिन्ना के मुल्क की तस्वीर इससे कहीं ज्यादा खराब है। पाकिस्तान दो राहे पर खड़ा है। जिन्ना का मुल्क टूट के कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान हर दिन दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। एक तरफ इमरान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को भी तख्ता पलट का डर सता रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट का डर पहले सिर्फ हुक्मरानों को ही सताता था। पहले सिर्फ इस्लामाबाद के तख्ता पलट की तस्वीरें जानकारियां सामने आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी तख्ता पलट जैसे हालात बन गए हैं। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की न्यायपालिका भी दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। पाकिस्तान की न्यायपालिका में भी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। इमरान के समर्थक माने जा रहे वर्तमान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तानी संसद ने कानून पारित कर दिया है, बल्कि उनके सहयोगियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। शहबाज और इमरान को लेकर जो जंग पहले से चली आ रही है, वो रमजान के पाक महीने में भी नहीं रुक रही है। इस बीच शहबाज सरकार ने नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम कर दी हैं। पाकिस्तान की संसद ने एक कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास मौजूद स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियों पर पाबंदी लगा दी। अब अकेले पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश किसी मुद्दे पर खुद संज्ञान नहीं ले पाएंगे। न्यायपालिका से जुड़े इस बिल को 28 मार्च को शहबाज सरकार ने मंजूरी दी थी। इस कानून से अब इमरान खान के जल्द चुनाव कराने के मिशन को बड़ा झटका लगा है। इमरान ने नए कानून के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। इमरान खान ने शहबाज सरकार पर विरोध करने वालों को डरा धमकाकर लोगों में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल इमरान खान पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। एक तरफ जहां महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शहबाज सरकार के बीच जारी नूरा कुश्ती ने देश में सियासी हालात को मुश्किल बना दिया है। जहां इमरान खान को पाकिस्तान की सभी मुश्किलों का हल नए सिरे से चुनाव करवाने में दिख रहा है, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग ही राग अलाप रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की बदहाली के लिए सीधे इमरान को जिम्मेदार ठहराते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक इमरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। शहबाज शरीफ को भी ये एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान जल्द ही टूटने वाला है। पाकिस्तान में बढ़ती बगावत और कंगाली ने पाकिस्तान को बर्बादी के हालात तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में दिख रहे गृह युद्ध के हालात और पाकिस्तानी हुक्मरानों के सुरों से भी जिन्ना लैंड के खंड खंड होने की आहट साफ सुनाई दे रही है। इमरान और शहबाज की लड़ाई में पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में बंटवारे का विस्फोट कभी भी हो सकता है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में सेना, सुप्रीम कोर्ट, जज, वकील, नौकरशाह सभी दो खेमों में बट चुके हैं। पाकिस्तानी भी अब ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान के बचने की कोई सूरत फिलहाल नहीं दिख रही है। एक तरफ सियासी जंग तो दूसरी तरफ आटे और दाल के लिए आवाम की लड़ाई। वहीं पाकिस्तान में जगह जगह हो रही बगावत से हालात बेहद संगीन हो चुके हैं।
उधर पाकिस्तान के भस्मासुर आतंकी भी पाकिस्तान सरकार और सेना को खुली चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शहबाज सरकार ने पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे चीनी नागरिकों से साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दें। शहबाज सरकार ने कहा है कि आतंकी गुटों से चीनी नागरिकों को भी खतरा है। हालांकि पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर आतंकी हमले पहले से ही हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान से हमदर्दी जताने वाले चीन के लिए भी वहां हालात ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।